लड़के उनकी उनके वंशज हैं और यहाँ पे उनकी उनका स्मारक बना हुआ, उनके पुस्तकालय उनके नाम का बना है, अस्पताल है, पार्क सामने बना हुआ है। जो निराला जी कवि थे आप उनके कौन? ये निराला जी जो कवि थे ये उनकी जहाँ पे ये कोठरी में बैठ के वो अपनी कविताएं रचनाएं लिखा करते थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उन्नाव वाले बउआ पर एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का घर, जो कि हिंदी भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और हिंदी भाषा का नाम भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। तो आपको बता दूं कि निराला जी का जन्म 1896 में पश्चिम बंगाल में हुआ था, लेकिन मुझे गर्व की बात यह कि वो हमारे उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में बीघापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है गढ़ाकोला, वो वहाँ के मूल निवासी थे। तो चलते आज उनके गाँव और पहुँच के दिखाते हैं निराला जी का घर कैसा है, कौन कौन वहाँ पर रहता है तो और वहां पर गांव के लोगों का क्या रिएक्शन है, उनके बारे में कोई जानता है या नहीं। तो चलिए आज का ब्लॉग वीडियो शुरू करते हैं, और इसके लिए एक लाइक जरूर से कर देना। आज मैं बिल्कुल तैयार हूं निराला जी के गांव जाने के लिए, और हमारे साथ में एक लोग ये हैं, क्या नाम है तुम्हारा? आशीष। और ये हमारी बाइक भी रेडी है, तो चलते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं गढ़ाकोला गाँव और पहुँच कर दिखाते हैं आपको वहाँ का सीन। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव में और ये पीछे देख सकते हैं निराला उद्यान गढ़ाकोला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक दो लोगों से पूछते हैं उनका घर कहाँ पे है, तो चलते हैं फिर उनके घर के पास। और ये एक छोटा सा गार्डन पे आ चुका हूँ गढ़ाकोला गांव में, और यहाँ पे तीन चार लोग हैं, इनसे पूछते हैं उनका घर कहाँ पे। तो दादाजी बता रहे हैं कहाँ पे है घर। आप ये पहली कट मारेंगे, सीधा जाएंगे और सीधा जाके एक सामने कट गया उसको छोड़ के बाएं हाथ आप जाएंगे, सीधा निराला स्मारक पहुंचेंगे। अच्छा, वहाँ पे कोई रहता है? घर पुराना है, नया है? नहीं नहीं, घर नया है, पुराना नहीं है। पुराना घर है वहाँ, पुरानी कोठरी जिसमें निराला जी रहा करते थे, वो पुरानी कोठरी। भैया थोड़ा, और अभी उनके वंशज यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, कौन कौन है घर पे? घर पे उनकी उनके वंशज हैं, एक राजकुमार त्रिपाठी हैं, उनकी उनकी माँ जी हैं, और उनका परिवार है पूरा। ठीक है, बाकी जो और कुछ लोग हैं वो इलाहाबाद रहते हैं। अच्छा, जन्म तो यहीं पे हुआ था कि वहाँ, मतलब जैसे बताते हैं लिखित में है पश्चिम, जन्म महिषासुर में, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल महिषासुर में हुआ, लेकिन रहने वाले यहीं के थे। रहने वाले यहीं के थे, महिषादल मेदिनीपुर गांव। और यहाँ पे उनकी उनका स्मारक बना हुआ, उनके वहाँ वहीं पे घर के पास, बिल्कुल पूरा स्मारक, उनकी फोटो लगी हुई, उनका जो है स्टेचू है, उनके घर का नया जुड़ा उद्धार हो चुका है ये बात। और यहाँ पे पुस्तकालय उनके नाम का बना है, अस्पताल है, पार्क सामने बना हुआ है, ये उन्हीं के नाम का अस्पताल। कहाँ पे? अस्पताल यहाँ से थोड़ी दूर के है। अच्छा ठीक है, सुगाई चलते हैं उनके घर में और पहुँच के दिखाते हैं, उनके घर के लोगों से बात करते हैं और उनका घर भी दिखाते हैं। तो चलिए फिर। तो गाइस आ चुके हैं हम निराला जी के घर के पास, ये पीछे उनका स्टेचू बना है और ये यहाँ पे पीछे है उनका घर, यही घर है और घर के अंदर भी कुछ लोग हैं उनके। तो चलते हैं अंदर और उनसे पूछते हैं कुछ लोगों से उनके बारे में। हमारे साथ में ये अंकल हैं, ये तो आपका नाम क्या है? राजकुमार त्रिपाठी। राजकुमार त्रिपाठी, तो आप जो निराला जी कवि थे आप उनके कौन हैं? पपौत्र। पपौत्र हैं, तो और आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनके बारे में यही कहना चाहते हैं, जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनके बारे में, उनके नाम से बहुत बढ़िया हो रहे हैं, मगर उनकी जो पैतृक मूर्ति लगी हुई वहाँ की दुर्दशा बहुत है खराब। कहाँ पे है वो? गढ़ाकोला में पैतृक आवास, उनका पैतृक घर जो है, तो वहीं की कुछ मरम्मत हो जाती है एक बार गवर्नमेंट से। हाँ, मतलब उसको यादगार बनाए रखे, यादगार बनाए रखे उसको, नहीं तो लोग भूलते चले जाते, भूलते चले जा रहे हैं और फिर टूटते फूटते सब चले जाएगी, तो गिर जाएगी, तो यहाँ कोई नहीं फिर स्थान पे उसको सुरक्षित व्यवस्थित रखने की व्यवस्था की जाए। और उनका जो पुराना घर है? पुराना घर यही है उनका, यही है, यही है। और मतलब वो जो कह रहे थे कोठरी है, कोठरी उनके निराला जी, चलिए हमको दिखाइए वो कोठरी है। सो गाइस चलते हैं उनके यहाँ पे, जो उनका पुराने कोठरी थी जहाँ पे वो रहते थे, हाँ, जिसमें बैठ के वो अपनी कविताएं रचनाएं लिखा करते थे। और इसको आशुतोष शुक्ला ने बनवाए थे, बढ़िया एक बार मरम्मत करा गए थे उनके पैसे के, मतलब जो एक नेता है हमारे यहाँ के आशुतोष शुक्ला, वो आए थे यहाँ पे उसके जो निराला जी की कोठरी थी उसकी मरम्मत कराए थे। और ये अभी दिखाते हैं हम आपको, निराला जी लिखा करते थे ये उनकी
पुरानी है। भाई ये जो दादी आपको दिख रहे हैं, ये निराला जी जो कवि थे, ये उनकी बहू हैं, और ये हमारे पीछे उनकी कोठरी है जहाँ पे, और ये मेन दरवाजा है जहाँ पे ये कोठरी में बैठ के वो अपनी कविताएं रचनाएं लिखा करते थे। तो मैं आपको बैक कैमरे से एक बार दिखाता हूँ। निराला जी कवि के बारे में अंकल जी कुछ और बताना चाह रहे हैं जो यहाँ पे उनके नाम से अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं उनके बारे में। अभी तक तो उनके नाम से कुछ नहीं होता था, मगर जब से अपने जी हृदय नारायण जी आए थे, अपने अध्यक्ष जी बन गए थे, तब से गांव में आए भी थे एक बार कार्यक्रम में, तो उन्होंने जो है कि यहाँ पे पास कर गए थे, तो लाइब्रेरी पुस्तकालय अपने यहाँ का भव्य उसमें बन रहा है। अच्छा, निराला जी के नाम से मतलब एक लाइब्रेरी पुस्तकालय बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? जिले की पहली एक गांव में बन रहा है। ठीक है, अस्पताल भी है। हाँ, अस्पताल भी उन्हीं नाम से, उन्हीं नाम से जूनियर स्कूल भी है यहाँ पे, कस्तूरबा विद्यालय है उन्हीं नाम से, और इंटर कॉलेज नहीं है यहाँ पे, खाली राजकीय इंटर कॉलेज है। एक राजकीय इंटर कॉलेज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, जरूर आवश्यकता है। आवश्यकता है मतलब इंटर कॉलेज उनके नाम से बनना चाहिए लड़कियों के लिए जो है। सोचते निराला जी के नाम से इतनी बड़ी लाइब्रेरी बन है, तो उनका एक छोटा मतलब ये है कि और काफी चीजें तो बन है उनके नाम से, लेकिन एक इंटर कॉलेज भी बनना चाहिए उनके नाम से, ताकि गांव के जो लोग हैं पढ़ने के लिए वो यहीं पे पढ़े और निराला जी को याद रखें उन्हीं के नाम से। व्यवस्था लिए पुलिस चौकी के अनिवार्य यहाँ जाँच हो चुकी, मगर अभी कोई कार्य नहीं चालू हुआ, तो पुलिस चौकी भी बनना चाहिए। हाँ, मतलब लोग आते हैं जाँच करके चले जाते हैं और कार्य नहीं होता, कार्य नहीं होता है। और उनके नाम से यहाँ पे आते हैं बहुत लोग, ये कह जाते हैं वो कह जाते हैं, मगर करते कुछ नहीं है। उनकी प्रतिमा की टूटी हुई व्यवस्था है, गेट पे ठेलवा, हम ही लोग जो यहाँ पे है व्यवस्था उनकी करते हैं। हाँ। और देखते सुनते हैं उनकी प्रतिमा की सुरक्षा व्यवस्था सब और साफ सफाई सब। हाँ, करते हैं, देखा हमने, मतलब प्रतिमा। हाँ। उसको अच्छे से बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। हाँ। वहाँ की जो रोटेशन खराब पड़ी हुई है सब, उसको एक बार व्यवस्थित सुधरवा दी जाए। हाँ। तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आए हुए अतिथियों का। हाँ, मतलब लोग आते रहते हैं कि हमारे यहाँ के कवि थे, आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे जो आएंगे जाएंगे कम से कम उनकी यादगार बनी रहेगी। हाँ। और प्रतिमा आवास है उनका, एक मेन दरवाजा है उनका। हाँ। और जो उनकी डेहरी है उसकी सुरक्षा व्यवस्था करा दी। ठीक है, मैं आपको सभी को ये बात कहना चाहूँगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को सभी लोग शेयर करिए, ताकि जो निराला जी का है तो उन्हीं के नाम से यहाँ पे जो चीजें बन रहे हैं और अच्छे से बने, ताकि लोग उन्हें याद रखें और भूले ना, तो सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनके पुस्तकालय बनना है, लाइब्रेरी, और उसके बारे में दादा कुछ बता रहे हैं, क्या है उसकी खास कुछ बताइए। ये जो है जिले की पहली लाइब्रेरी है। हाँ। और ये 14 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बन रही है, मतलब काफी बड़ी होगी, तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और ये लगभग 80% काम हो चुका है। अच्छा, चलो ठीक है, अभी चलते हैं वहाँ पे, उसको भी दिखाएंगे और जो सरकारी अस्पताल उनके नाम से वो भी दिखाएंगे। चल रहा है अस्पताल? अच्छा, अस्पताल बढ़िया चल रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलते हैं फिर वहाँ पर दिखाते हैं आपको। गाइस आ चुके हैं हम जहाँ पे निराला जी के नाम से काफी बड़ी लाइब्रेरी बन रही है, पुस्तकालय है पीछे जो आपको, तो अभी चलते हैं वहाँ पे, और ये देख सकते हैं अभी काम चालू है और काफी ज्यादातर काम हो चुका है, बस थोड़ा ही काम बाकी है। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं, काफी बड़ा ये पुस्तकालय बन रहा है। भाई ये है निराला जी के नाम से जो अस्पताल यहाँ पे चलता है गढ़ा कोलक गांव में, और ये पीछे उनका ये आवास जो रहते हैं, डॉक्टर लोग आते हैं, तो ये है पूरा सीन यहाँ का। और ये भैया हैं जो हमें यहाँ पे सभी जगह दिखाए हैं। तो भैया आपने इतना सब कुछ मेरे लिए बताया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आएँ। और दोस्तों ये था पूरा वीडियो हमारे हिंदी भाषा के साहित्यकार लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी रचनाएं लिखी, उपन्यास लिखे थे, जिनमें से उनकी कुछ रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जैसे अनामिका हो गई, तुलसीदास हो गए, नए पत्ते हो गए, और उन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे अपने जीवन में। और दोस्तों अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं गया उनके गाँव और उनके घर वालों ने मुझे अच्छे से सब कुछ बताया और चाय भी पिलाया, और जो लोग पहले भी मिले थे उन्होंने भी अच्छे से बात किया, अच्छे से सब एक्सप्लेन किया। तो यार जितने लोगों ने मेरे हेल्प की उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है, पसंद है तो एक लाइक जरूर से कर देना, और हमें गर्व की बात है कि वो हमारे
उन्नाव जिले से थे तो हम सोचे वीडियो जाके बनाएं। तो आप लोग भी वीडियो को जरूर शेयर करिए सभी ग्रुप में ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच पाए। और हाँ, आपके पास आसपास अगर कोई ऐसा है प्रसिद्ध जिसे लोग नहीं जानते या भूल जा रहे हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं जाऊंगा आपको विस्तार से सभी चीज़ बताऊंगा जैसे मैंने इस वीडियो में बताया। तो मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Oh!